लेते हैं संगवन सिंह से, जिनका ये संघ था। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनको आपके इस श्री संघ में, संपूर्ण संघ यात्रा में आपको भक्ति का किस प्रकार का अनुभव रहा? फर्स्ट दिन से बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जो स्नातक पूजा बढ़ाई थी फर्स्ट डे पे, वो भी बहुत अच्छा रहा। उनके बाद उन्होंने जो कुंडलपुर में भक्ति की, उनका भी आनंद कुछ अलग था। और पावापुरी में तो जो उन्होंने सब लोगों को डांस करवाया, जो उन्होंने सबको झुमाया, उसका तो कुछ आनंद का पार ही नहीं। सब लोग उठ उठ के जो नाच रहे थे, उसका कोई सीमा ही नहीं है। निकेश भाई ने ऐसा माहौल बनाया था पूरा, बुड्ढे से लेके बच्चे तक जो 72-75 के अंदर कूदे, जिन्होंने कभी मैंने आज तक लाइफ में उनको हाथ ऊपर करते हुए नहीं देखा डांस के लिए, वो स्टेज पे आके नाच रहे। मैंने ये संघ में जिस तरह से एंजॉय किया है, और निकेश जी ने जो भक्ति की, जो मतलब जुनून था उनके अंदर लोगों के प्रति, और उनको जो उत्साह के उनके साथ थे, जो उन्होंने एक कहते हैं ना एक बॉन्डिंग बनाती, हर एक इंसान से एक बॉन्डिंग बनाती, मतलब ना जानना हमेशा फिर भी उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग हो गया। उनकी सिंगिंग, एक सॉन्ग खत्म होता है उसके बाद दूसरा सॉन्ग, उनकी कॉमेडी, उनके गाने की स्टाइल, अल्टीमेटली सुपर। मुझे इतना आनंद है जिसकी कोई मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने जो 10 दिन हमारे साथ में जो भक्ति किए, वो लाजवाब है। ऐसे अपन हर जगह पे दमाल वाले बहुत ही साउंड लाउडली वाले सॉन्ग सुनते हैं, और भक्ति के जगह पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उन्होंने प्योर भक्ति करवाई, शुद्ध भक्ति करवाई, और पूरे धार्मिक विधि के हिसाब से हर कार्य उन्होंने संपन्न किया। उनकी निकेश भाई की बहुत खूब खूब अनुभव होना। निकेश भाई जब गाते हैं तो उनकी आवाज में जो सुर है, जो धीमे चलते सॉन्ग भी है, वो भी अच्छे लगते हैं सुनने में, मन को छूते हैं वो सॉन्ग, और भाव आते हैं। तो बहुत अच्छी भक्ति करवाई, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत मजा आया। भाव से आप भक्ति करवाए, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, हम लोगों को सब लोग ने बहुत इंजॉय किया। भक्ति का फील बहुत मस्त था। रात को जो माहौल बन जाता था, पूरे दिन की एकदम थकान उतर जाती थी, तब भगवान से एकदम कनेक्ट हो जाते थे, बहुत मस्त था। जैसे कि निकेश मल्होत्रा हमारे साथ में चले थे बॉम्बे से, जैसे ही भक्ति चालू हुई 5-10 मिनट में उनका रंग दिखने लगा, और एकदम सब लोग वहाँ पर जितने लोग बैठे थे सब लोग एकदम झूम उठे। भक्ति में बहुत बहुत मजा आया हम लोगों को, हर बार हम वही के वही गाने सुनते, लेकिन इस बार हम लोग 2-3-4-5 इतने सारे नए नए गाने सुने, और इतना आनंद आया गाने को सुन के, ऐसे लगा की प्रभु से हम लोग इतना जुड़ गए और झूम झूम के नाचने लगे। आज निकेश भाई की जो भक्ति देखी ना, तो मैं उनकी भी दीवानी होगी, उनकी वो भक्ति बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत डांस किया, बहुत झूमे। कौन सा सॉन्ग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? चलो शिकर जी, चलो शिकर जी, वो सॉन्ग ने अपना माहौल बना दिया, बहुत बहुत मजा आया। निकेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे संग में बहुत ही आनंद पूर्ण सब लोगों को नचाया है, इसके लिए सब लोग निकेश मल्होत्रा जी के बहुत बहुत आभारी है। निकेश भाई को तो मैं फीडबैक, मेरे मन से ऐसा है कि कोई भी प्रोग्राम हो और मेरे कॉन्टेक्ट में, तो मेरे मन में पहला नाम अगर कोई आएगा ना, किसी को बुलाना है जो एंकरिंग या सिंगिंग के लिए आया इसके लिए, तो मैं पहला नाम निकेश भाई का सजेशन करूंगा। अभी कुछ मेरा प्रोग्राम होगा ना, तो आई विल श्योरली कॉन्टेक्ट। निकेश भाई ने जो भक्ति की है वो बहुत जोरदार की, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बस निकेश भाई से यही हमारी आशा है, आगे भी इसी तरीके से वो अपने काम करते रहे, इसी तरीके से जो भी काम ले हुए हाथ में, इसी तरीके से और इससे आगे, इससे भी और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर इसे अच्छे से अच्छे कार्य और भी करते रहे। धन्यवाद। रिकमेंड करेंगे, रिफर नहीं, रिकमेंड करेंगे हम लोग।